पिछली क्लास में अपन ने मेटल कार्बोनिल्स की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज अपन मेटल कार्बोनिल्स से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, दो रूल हैं। पहला रूल है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और दूसरा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है। धातु कार्बोनिल्स में धातु परमाणु को प्रत्येक कार्बोनिल का जो एक अणु है वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है। तो मेटल कार्बोनिल्स बनने के पश्चात धातु परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और कार्बोनिल समूह से दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। यह जो टोटल आ रहा है ये उस मेटल से आगामी आने वाली जो इनर्ट गैस है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए। जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल है क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल। क्रोमियम जो एटम है उसका परमाणु क्रमांक है 24। 6 कार्बोनिल अणुओं से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है 12। तो इस तरह से 24 12 दोनों मिलकर के 36 हो रहे हैं। क्रोमियम से आगे आने वाली जो इनर्ट गैस है वो है क्रिप्टॉन, जिसका कि परमाणु क्रमांक होता है 36। इसी तरह से निकल का हेक्सा कार्बोनिल, निकल जो है उसका परमाणु क्रमांक है 28। 4 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। तो 28 और 8 मिलकर के हो रहे 36। तो ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन करता है। कुछ धातु परमाणु जिनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो ऑड नंबर वाली होती है, विषम होती है, वे इस रूल का पालन नहीं करते, वे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल है मैंगनीज का पेंटाक्लोराइड। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक है 25 और 5 कार्बोनिल समूह के द्वारा दिए जाने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। तो 25 प्लस 10 35 35 हो गए। तो ये 36 आना चाहिए था अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन होता, लेकिन 35 आ रहा है। इसका मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का पालन नहीं करते हैं। दूसरा इसके अंदर है क्रोमियम का टेट्रा कार्बोनिल, कोबाल्ट का टेट्रा कार्बोनिल। कोबाल्ट जिसका कि एटॉमिक क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है 27 और 4 कार्बोनिल के द्वारा दिए जाने वाली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 8। तो इस तरह से इसका टोटल भी आता है 35। तो इस तरह के जो मेटल्स हैं जिनके बाह्यतम कोष के जिनका की जो परमाणु क्रमांक है वो ऑड नंबर वाला होता है, विषम होता है, वे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन नहीं करते हैं। अब अपन दूसरे रूल की बात करेंगे जो कि मेटल कार्बोनिल्स पे लागू होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है इस नियम के अनुसार धातु कार्बोनिल्स के बनने में जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, वो इतने ही कार्बोनिल ग्रुप से संयुक्त होता है जिससे कि इसके संयोजकता कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो 18 हो जाए, 18 हो जाए। संयोजकता कोष का अर्थ होता है n-1d nsnp। इनमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाए केवल वो उतने ही कार्बोनिल एटम्स के साथ में संयोग करता है। कुल संयोजकता कोष में कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या हम निकालते हैं n+2y से। n यहाँ पर जो है धातु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और y जो है यहाँ पर वो कार्बोनिल समूह की संख्या है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल। क्रोमियम जिसका कि परमाणु क्रमांक 24 है, इसके संयोजकता कोष में देखते हैं अपन कितने इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 एंड 4s2। तो इसके संयोजकता कोष में 3d में 4 और 4s में 2, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके संयोजकता कोष में हो गए, यानी कि n का मान हो गया है 6 और यहाँ पर y का मान भी 6 है क्योंकि 6 कार्बोनिल ग्रुप इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो n+2y, तो ये संख्या हो गई 18। तो इसका अर्थ ये है कि क्रोमियम का जो हेक्सा कार्बोनिल है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करता है। इसी तरह से नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है निकल का टेट्रा कार्बोनिल। निकल का जो बाह्यतम विन्यास है वो है 3d8 4s2।
स्टार्ट निकल के अंदर संयोजकता कोश में या एन का जो मान है वो यहाँ पर है 10, और चार कार्बोनिल्स हैं तो वाई का मान है 4, तो 2y हो गए 8, तो 10 + 8 = 18। तीसरा अपन एग्जांपल लेते हैं इसमें आयरन का पेंटाकार्बोनिल। आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम संयोजकता कोश में वो है 3d6 4s2। तो यहाँ पर संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8 और 5 कार्बोनिल है, वाई का मान हो गया 5, तो 2y हो गए 10। तो इस तरह से 8 + 10 ये भी 18 हो गए, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल है Mn2CO10, मैगनीज का डाई मैगनीज डेटा कार्बोनिल। मैगनीज में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3d5 4s2। दो मैगनीज हैं तो संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, दो मैगनीज से 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 कार्बोनिल के 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो है मैगनीज मैगनीज के बीच में बंद बनने में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। तो जब हम इनका टोटल करते हैं तो ये 36 हो जाते हैं, 36 इलेक्ट्रॉन है दो मैगनीज पर, तो प्रत्येक मैगनीज एटम पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो रही है 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी या ये मेटल कार्बोनिल भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन कर रहा है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे वेनेडियम का हेक्सा कार्बोनिल। वेनेडियम के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बोनिल से 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो रही है 17 या 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करती। मैंगनीज का पेंटा कार्बोनिल, मैंगनीज के संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 कार्बोनिल से आ रहे हैं, तो ये भी संख्या हो रही है 17, तो ये भी इफेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करती। इस तरह से कुछ मेटल कार्बोनिल्स जो हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करते हैं। धन्यवाद।